हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन में आपका स्वागत है। ये जुलाई महीने का हमारा 16वां डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता किसके साथ जुड़ा हुआ है? आपके दिए गए ऑप्शन में भारत और चीन, भारत और यूरोपीय संघ, भारत और यूएस, भारत और रूस दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 2 के द्विपक्षीय समझौते से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते का, तो ये 2007 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अभी न्यूज में क्यों है? तो फ्रेंड्स, भारत और यूरोपीय संघ के बीच अभी आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसलिए ये न्यूज में है। जब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसमें कुछ बातों को लेकर आगे बढ़ते हुए दोनों देश अपनी वार्ता को शुरू करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, असैन्य परमाणु सहयोग की दिशा में कैसे दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, समुद्री सुरक्षा के मामले पे कैसे दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, यूरोपोल जो कि यूरोपीय यूनियन का एक प्रकार का पुलिस है, जांच करने वाली संस्थान है, उसके बीच और सीबीआई के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, साथ ही साथ चिकित्सा के क्षेत्र में टीकों और उपचार के मामलों में दोनों देश एक दूसरे की कैसे मदद कर सकते हैं, इस दिशा में बातचीत शुरू हुई है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम यूरोपीय यूनियन और भारत के कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान दें जिसे आपको याद रखना है, तो भारत का वैश्विक व्यापार में यूरोपीय संघ के साथ जो हिस्सेदारी है वो 11% है, ये सबसे ज्यादा है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला, जब भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य के रूप में चुना गया था, उस समय यूरोपीय संघ के द्वारा इसका स्वागत किया गया था, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ये जो समझौता किया गया था वो 2007 में किया गया था, इसे मैंने आपको बता दिया है, आप इसे ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, नीचे दिए गए अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? आपके दिए गए ऑप्शन में अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 49A, अनुच्छेद 51AG और अनुच्छेद 50 दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को संवैधानिक प्रावधान से तो जोड़कर देख ही सकते हैं, साथ ही पर्यावरण और संविधान दोनों से जोड़कर देख सकते हैं। इससे जुड़े हुए बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, हम उन सारी बातों पर ध्यान देंगे, उन सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन यदि हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर का, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, यानी कि राज्य को यह दायित्व दिया गया है अनुच्छेद 48A जो कि DPSP के अंतर्गत है, वहां की पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए राज्य के द्वारा प्रावधान किया जाए। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्यों न्यूज में आया है, उन सारी बातों को हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान पर्यावरण के मामले में दिया गया है, उन सारी बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना एक संवैधानिक जनादेश है, क्योंकि रक्षा करने के बारे में प्रावधान संविधान में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। यह एक कल्याणकारी राज्य के विचार के प्रति संकल्पित देश के लिए प्रतिबद्धता है। क्या? पर्यावरण की रक्षा करना। संविधान के DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूल कर्तव्य के अंतर्गत पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। अगर हम बात करें DPSP के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 48A के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए प्रयास करेंगे। ये बात कहां लिखा गया है? DPSP के अंतर्गत। वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत अनुच्छेद 51A(g) के अंतर्गत कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह
जंगलों, झीलों, नदियों, वन्य जीवन से संबंधित जो भी कुछ है, उन सभी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने, उनकी सुरक्षा करने और जीवों के प्रति, जीवित प्राणियों के प्रति दया दिखाने का कार्य करेंगे। ये कहां लिखा गया है? मूल कर्तव्य के अंतर्गत। हालांकि जो फंडामेंटल राइट है उसके अंतर्गत सीधे सीधे शब्दों में नहीं लिखा गया है, लेकिन जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत पर्यावरण का अधिकार भी हम जोड़ सकते हैं कि यह संविधान में लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 21 को किधर भी व्याख्या किया जा सकता है। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि राज्य अपने सभी नागरिकों के लिए स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक दायित्व के तहत कार्य करेगा। पर्यावरणीय मामलों से संबंधित मामलों में राज्य को सूत्राधार के रूप में कार्य करना है, न कि अवरोध के रूप में। यानी कि पर्यावरण के मामलों में राज्य को सुरक्षा के मामले में कार्य करना है, उनको नुकसान पहुंचाने के मामले में राज्य कार्य नहीं करेगा। ऐसा हम समझ सकते हैं किसके आधार पर? अनुच्छेद 21 के आधार पर। तो आपने बहुत सारी बातों को समझ लिया जो पर्यावरण के बारे में संविधान में वर्णित हैं। अब हम देखते हैं कि यह न्यूज में क्यों आया। फ्रेंड्स, एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की एक पीठ के द्वारा केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव को इस बात का दोषी ठहराते हुए कुछ सुनवाई की गई है कि यदि वहां के निवासियों के द्वारा, यानी कि केरल के निवासियों के द्वारा किसी भी प्रकार की अवैज्ञानिक डंपिंग की जाती है कचरों का, तो जो व्यक्ति डंपिंग कर रहा है, जो व्यक्ति कचरे को फेंक रहा है, उस व्यक्ति को दंडित करने के लिए केरल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अधिकार नहीं है। ऐसा निर्देश दिया गया है और यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति को दंडित किया जाता है तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा अध्यक्ष को और उसके सचिव को। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये किस आधार पर कहा गया है फ्रेंड्स? तो ये इस आधार पर कहा गया है कि यदि इस प्रकार की कोई भी गतिविधि की जाती है तो उसके माध्यम से यदि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है तो ये देखा जाएगा कि जो भी गतिविधि वहां पर कचरों से संबंधित, डंपिंग से संबंधित किया गया है, वो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का जो नियम 2016 में घोषित किया गया था उसके अंतर्गत हनन है या फिर नहीं है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका देखी जाएगी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और राज्य निगरानी समिति की भूमिका देखी जाएगी और एनजीटी के भी यहां पर भूमिका देखी जाएगी। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। इससे जुड़े हुए कुछ प्रावधान हैं, उन बातों को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एनजीटी का, जिसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे एक अधिनियम के माध्यम से 2010 में स्थापित किया गया था। एक प्रकार की पर्यावरण के मामले में न्याय करने वाली ये एक न्यायिक निकाय है। एनजीटी का गठन करने वाला भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है और विकासशील देशों के मामले में पहला ऐसा देश है। यानी कि कोई भी ऐसा देश जो पर्यावरण से संबंधित मामलों को निपटान करने के लिए अलग से संस्थान का निर्माण करता है, ऐसी संस्थान को निर्माण करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश और विकासशील देशों के मामले में पहला देश है। इसे आप ध्यान रखेंगे। एनजीटी के पास कोई भी मामला आता है तो उसको सुनवाई करने की अधिकतम सीमा 6 महीना है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। एक अन्य बात, इसके न्यूनतम सदस्य 10 हो सकते हैं और अधिकतम सदस्य 20 हो सकते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और वो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे। इसे आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसके जो अन्य सदस्य होते हैं उन्हें एक समिति की सलाह के आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। जो सदस्य इसके एक बार सदस्य बन जाते हैं, दोबारा उसको फिर से चुने जाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। हालांकि एक सदस्य 5 वर्ष तक इसका सदस्य रह सकता है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे।
एनजीटी को बहुत सारे कानूनों के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार दिया गया है, जैसे कि जल अधिनियम 1974, जल उपकर अधिनियम 1977, वन अधिनियम 1980, वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 और जैव विविधता अधिनियम 2002। जो आपको याद रखना है वो ये कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 के को एनजीटी के अंतर्गत नहीं रखा गया है, बस आपको ये याद रखना है। बाकी सारे के सारे तो है ही। आपको ये याद रखना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे हमारे डिस्कशन का। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में नियोविस सी 2020 F3 खबरों में था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही वर्णन है? आपके दिए गए ऑप्शन में यह एक क्षुद्रग्रह है जो जुलाई 2020 में पृथ्वी से टकराएगा। अगला कहता है यह एक नया खोजा गया ग्रह है जिसमें बहुत अधिक तापमान होता है जिस पर लोहा उबलता है। यह DRDO द्वारा विकसित एक नया मानव रहित हवाई वाहन है। यह एक प्रतिगामी धूमकेतु है जो 26 मार्च 2020 को खोजे गए परवलयिक कक्षा के पास है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को GS पेपर 1 के भूगोल से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें फ्रेंड्स इस नए शब्द का, जिसके बारे में UPSC पूछ सकती है, क्योंकि UPSC इससे पहले समाचारों में शब्द से जोड़कर प्रश्न पूछती रही है, तो आप याद रखेंगे नियोविस सी 2020 F3 जो है वो एक धूमकेतु है जिसे 27 मार्च 2020 को देखा गया। भारत से भी आने वाले, मतलब जो 14 तारीख अभी बीत गया, वहां से लेकर 20 दिनों तक हर दिन हर 24 घंटे में से 20 मिनट तक लगातार देखा जा सकता है। तो इसे आप याद रखेंगे, यानी कि आप सीधे सीधे याद रखेंगे कि ये क्या है, ये एक धूमकेतु है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसके बारे में ज्यादा कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप यही याद रखेंगे नियोविस सी 2020 F3 क्या है, एक धूमकेतु है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जो भारत में देखे जाने के बाद फोटो खींचा गया है वो ये है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे हमारे डिस्कशन का। चौथा प्रश्न क्या कहता है, सेबैथ शब्द अक्सर देखा जाता है, कहां देखा जाता है, समाचारों में। यह किसके साथ जुड़ा हुआ है? यहां पर चार आपके दिए गए ऑप्शन में केरल के श्री पद्माभ स्वामी मंदिर के प्रशासन की देखरेख करने वाले त्रावणकोर के शाही परिवार का नाम। अगला कहता है हिंदू मंदिरों में पूजा करने वाले पुजारी। उसके आगे कहता है संस्कृत पाठ नाट्य शास्त्र में वर्णित प्रेम और रिश्तों के विषयों को दर्शाते हुए एकल प्रदर्शन। अगला कहता है कोई भी व्यक्ति जिसके पास मंदिर या किसी अन्य भूमि या संपत्ति जैसे संपत्तियों का प्रबंधन करने का अधिकार है जो देवता के साथ निहित है। तो फ्रेंड्स, अभी आप जानते हैं कि पद्माभन स्वामी मंदिर के बारे में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सेबैत जो है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मंदिर से जुड़ा होता है, मंदिर की देखरेख करता है, सारे अधिकार इसी व्यक्ति में निहित होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से पैसे का इकट्ठा किया जा रहा हो या फिर मंदिर से संबंधित कोई भी संसाधन हो, उस पर सारा अधिकार जिस व्यक्ति का होता है उसे सेबैत कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। इस मंदिर से संबंधित जो भी जानकारी है हम इसे अपने अगले डिस्कशन में जरूर डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी ने शब्द से संबंधित जो आर्ट कल्चर से संबंधित होता है वो पूछती है, तो इसलिए आप ध्यान में रखेंगे। इसे आप हमारे GS पेपर 1 के आर्ट कल्चर से जोड़कर देख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेबैत क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो मंदिर में पूजा करता है, वो मुख्य पुजारी के रूप में भी होता है, सारी संपत्तियों के देखरेख करने का दायित्व उसी व्यक्ति में होता है, चाहे वो मंदिर के परिसर के अंदर हो या फिर मंदिर जो मुख्य मंदिर होता है उसके अंदर हो। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। कोई भी निर्णय होता है मंदिर से संबंधित तो उस पर इसी का बात महत्वपूर्ण होता है, तो इन बातों को भी आप ध्यान रखेंगे।
हमारे डिस्कशन का पांचवा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें। एक तरफ समाचारों में रहने वाले स्थल दिए गए हैं और दूसरे तरफ वो जिस क्षेत्र में है उसका नाम दिया गया है। मोंट ब्लांक वो बताता है पूर्वी यूरोप में है। अगला कहता है जेहदान, ये बताता है पश्चिमी एशिया में है। डेलाराम ये कहता है दक्षिण एशिया में है। आपको बताना है कि ये कहां पर है। फ्रेंड्स, यूपीएससी ने इस प्रकार के प्रश्न 2017, 18 और 19 में पूछ चुकी है, पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप ध्यान में रखेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर वो स्थल जो न्यूज में रहती है आपके समक्ष लेकर आए। अगर हम बात करें मोंट ब्लांक का, तो ये पूर्वी यूरोप में नहीं, ये पश्चिमी यूरोप में है। स्विट्जरलैंड, इटली और फ्रांस के बीच सीमा बनाता है, यानी कि पहला गलत हो जाता है। जाहेदान के बारे में यदि आपको ये कहा जाए कि ये पश्चिमी एशिया में है तब भी आप सही कहेंगे, दक्षिणी एशिया में है तब भी आप इसे सही कहेंगे, ठीक है। डेलाराम के बारे में, इसे हमने कल ही देखा था, यह दक्षिण एशिया में ही है, और अगर कहा जाए कि यह पश्चिम एशिया में है तब भी आप सही कहेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। हमने कल अपने डिस्कशन में जाहेदान और डेलाराम के बारे में देखा था, ये दोनों पश्चिम एशिया में है, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा बनाते हैं, जो भारत के द्वारा सड़क का निर्माण किया गया है वो यहीं पर किया गया है। अभी हम जो देखेंगे मैप के माध्यम से वो मोंट ब्लांक के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मोंट ब्लांक जो है वो कहां पर है, यहां आप देख सकते हैं, इधर फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है और इटली, इन तीनों के बीच सीमा साझा करने का कार्य करता है। इससे जुड़ी हुई जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आप याद रखेंगे वो ये कि जो मोंट ब्लांक है ये यूरोप का दूसरा सबसे ऊंचा माउंटेन है, क्योंकि माउंट एल्ब्रूस जो है वो यूरोप का सबसे ऊंचा माउंटेन है, ठीक है। उसके बाद में यह एल्प्स और पश्चिमी एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला, इसे यूरोप का छत भी कहा जाता है, इसे फ्रेंच में व्हाइट माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है। यह कहां पर है इसे आप देख सकते हैं, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, इन तीनों के बीच सीमा बनाता है। कुछ मिसलिनियस टॉपिक हैं जिससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हम फटाफट इन सबको देख लेते हैं। सुपर कैपेसिटर, ये एक प्रकार का बैटरी है। सुपर कैपेसिटर क्या है, एक प्रकार का बैटरी है। इसकी क्वालिटी ये है कि ये बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, लंबे समय तक बैटरी को यानी कि जो चार्ज होते हैं उनको स्टोर करके रख सकता है। तो आपको सीधे सीधे पूछा जाए कि सुपर कैपेसिटर हाल फिलहाल में न्यूज में देखा गया था ये क्या है, तो आप याद रखेंगे एक प्रकार का बैटरी है जो बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, लंबे समय तक चार्ज करके रखा जा सकता है, तो इसे आप याद रखेंगे। ये लिथियम आयन बैटरी के समान ही है, ये देखने में कुछ इस प्रकार की होती है, इसे आप देख सकते हैं। अगर ये सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया जाता है तो आज फोन को चार्ज करने में जो 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है वो 10 से 12 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद में फिर उसको आप 23 घंटे 24 घंटे तक लगातार यूज कर सकते हैं, हो ही जाएगा। अगला जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मेलघाट बाघ अभ्यारण यानी कि टाइगर रिजर्व के बारे में है। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि मेलघाट बाघ अभ्यारण जो है वो महाराष्ट्र में है, उसे आप मैप के माध्यम से सबसे पहले देखेंगे। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सीमा साझा जो हो रहा है वहां पर, बिल्कुल यहां पर है, आप देख सकते हैं मेलघाट है। ये जो है वो तापी और सतपुड़ा श्रेणी के आसपास है। ये टाइगर रिजर्व है जिसको 1974 में घोषित किया गया था, जब भारत में 1973-74 के बीच में प्रोजेक्ट टाइगर किया गया था। जब प्रोजेक्ट टाइगर का संचालन किया गया उस समय कुल 9 टाइगर रिजर्व थे भारत में, अभी कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं, 51वां के लिए बात चल रहा है। लेकिन जैसे ही जब शुरू किया गया था उस समय जो 9 टाइगर रिजर्व थे भारत में उसमें से एक ये भी था, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये महाराष्ट्र का पहला टाइगर रिजर्व था, इसे सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो अगला है वो चियांग मे पहल है। तो फ्रेंड्स, चियांग मे पहल एक प्रकार की बहुपक्षीय मुद्रा स्वैप व्यवस्था है जिसे 2010 में आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच किया गया था।
क्या किया गया था कि बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जो आईएमएफ से पैसा लेते हैं और आईएमएफ अपना मनमौजी करता है, तो उस मनमौजी से बचने के लिए इन सारे देशों ने एक बहुपक्षीय मुद्रा स्वैप व्यवस्था की थी। कब की थी? 2010 में। अभी इसलिए बात चल रही है क्योंकि इसे अब समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि अब चीन भी अपना मनमौजी करने लगा है, तो इसीलिए ये न्यूज में था। आप याद रखेंगे चियांग मे पहल किससे जुड़ा हुआ है? एक प्रकार की बहुपक्षीय मुद्रा स्वैप व्यवस्था है, जिसे कब की गई थी? 2010 में। तो आप इसे ध्यान रखें। अंतिम है मिल्क टी अलायंस। इसके बारे में आप ये याद रखेंगे, ये एक अनौपचारिक शब्द है। मिल्क टी अलायंस क्या है? एक अनौपचारिक शब्द है। किस चीज के लिए? ये सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं के द्वारा चीन जिस प्रकार से थाईलैंड, हांगकांग और ताइवान के मामलों में हस्तक्षेप करता है, यहां पर बहुत सारे ऐसे चीजों को फैलाने की कोशिश करता है जिसके माध्यम से चीन अच्छा बन जाए और ये थाईलैंड, हांगकांग और ताइवान इत्यादि देश जो हैं वो बुरे बन जाएं, तो वहां पर मीडिया के अंतर्गत कैसे ये देश, मतलब थाईलैंड, हांगकांग और ताइवान अपने आप को पॉजिटिव स्थापित कर पाएंगे और चीन को गलत साबित कर पाएंगे, इसके लिए जो कैंपेन चलाया गया है उसे मिल्क टी अलायंस कहा गया है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये वो देश हैं जहां पर चाय दूध के साथ पिया जाता है, इसलिए इसे मिल्क टी अलायंस कहा गया है। दूसरे शब्दों में आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं के द्वारा लोकतांत्रिक एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए और ताइवान और हांगकांग की संप्रभुता का समर्थन करने के लिए चलाया गया ऑनलाइन कैंपेन है, जो कि अनौपचारिक है, औपचारिक नहीं है। इस शब्द को आपको याद रखना है कि ये एक अनौपचारिक कैंपेन है, ठीक। तो ये इससे जुड़ा हुआ था क्योंकि पूछा जा सकता है मिल्क टी अलायंस न्यूज में था, किससे जुड़ा हुआ है, तो आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था। हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।